निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति सिक्योंग के चुनाव के अंतिम चरण के लिए 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। तिब्बती समुदाय के लोगों में अपना मत डालने के लिए भारी जोश देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही तिब्बती समुदाय के लोग अपना मत डालने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। फाइनल राउंड की वोटिंग में देश भर सहित विदेशों में भी वोटिंग होगी। देश और विदेशों में रह रहे निर्वासित तिब्बती भी सिक्योंग के लिए मतदान करेंगे। सिक्योंग के लिए मुख्य रूप से 2 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। फाइनल राउंड में पेम्पा शेरिंग और कैलसंग दोर्जे के बीच मुकाबला है। इन दोनों में पहले राउंड में पेम्पा शेरिंग आगे चल रहे हैं। आज हुए मतदान के बाद 14 मई को चुनाव नतीजे आएंगे। अभी डॉक्टर लोबसांग सांगे निर्वासित तिब्बत सरकार के सिक्योंग राष्ट्रपति हैं। गौरतलब रहे कि डॉक्टर लोबसांग सांगे सिक्योंग लगातार 2 बार इस पद पर निर्वाचित हो चुके हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री यानी सिक्योंग पद और संसद के 45 सदस्यों को चुनने के लिए तिब्बती समुदाय के लोगों ने अपने मत का उपयोग किया। 14 मई को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। 17वीं निर्वासित तिब्बती संसद के अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। आज दुनिया भर के करीब 25 देशों में सिक्योंग यानी राष्ट्रपति और संसद के 45 सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनावी नतीजों के बाद अब प्रधानमंत्री पद के लिए पेम्पा शेरिंग और केलसंग दोर्जे आकसंग में मुकाबला है। दूसरे चरण के मतदान में 26 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, जापान, नेपाल, अमेरिका, रूस, ताइवान सहित भारत के कई हिस्सों में तिब्बती लोग नए राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। मतदान के नतीजे 14 मई को घोषित होने के साथ ही निर्वासित तिब्बत सरकार को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त बांगडू टसेरिंग ने बताया कि निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति यानी सिक्योंग पद और संसद के 45 सदस्यों को चुनने के लिए तिब्बती समुदाय के लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 26 देशों में रह रहे तिब्बती लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और 14 मई को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। बांगडू टसेरिंग ने चीन से आग्रह करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करने का हक है और यहाँ निर्वासित में रहते हुए भी हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन के लोग भी इस दिशा में चले तो विश्व में शांति के लिए काम कर सकेंगे। मैं वैसे हमारे भारत सरकार और भारत जनताओं को मेरा ओर से नमस्कार और मैं बहुत ही खुश से आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ जो है अपना मत अधिकारी जो है वो हम निभा सक रहा हूँ। और वैसे 26 देशों में आज जो है मतदाता जो है वो अपने उपयोग कर रहे हैं और सभी लोग जो है बहुत ही खुश से जो मत अधिकारी जो है वो अपना उपयोग करा रहा है। क्योंकि सर आप निर्वासन में सरकार चला रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे चीन को? मैं यही कहूँगा कि आप देखिए एक मनुष्य होने के नाते जो अपने मानव अधिकारी जो है वो होना चाहिए और मानव अधिकारी जो है वो हम यहाँ से उपलब्ध हो सकता है कि सभी जो प्राणी जो है उसके पास जो है अपने अधिकारी हो। तो मैं चीन से भी यही आग्रह करूँगा कि हम यहाँ निर्वाचन में बैठते हुए भी हम यहाँ जो है निर्वाचित में बैठते हुए भी हम अपने जो है मताधिकारी को उपयोग कर रहा हूँ। तो वो लोग भी इसी दिशा में अगर चले तो जरूर विश्व शांति के लिए कुछ काम कर सकेंगे। तो आज जो है हमारे यहाँ तिब्बतियों के 2 प्रकार के चुनाव हो रहा है। एक जो है अध्यक्ष के पद के लिए मतलब जो प्रेसिडेंशियल जो है वो है और दूसरा जो है वो पार्लियामेंटेरियन के लिए है। तो अध्यक्ष के लिए 1 पद है और पार्लियामेंटेरियन के लिए 45 हैं। तो इस पर चुनाव जो है वो हो रहा है। रिजल्ट जो है वो 14 मई को आएंगे और आप लोग देखिए। मैं अपने आप को नसीब मानता हूँ जो मुझे यहाँ पर वोटिंग करने के लिए राइट्स है और चाइना में टिबेट में जो टिबेटन लोग है उसके लिए मैं थोड़ा बुरा मान रहा हूँ क्योंकि उन लोगों के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है, वोटिंग नहीं हो रहा है, फिर उन लोगों का सफर तकलीफ बहुत होता है इसीलिए।
कोई मैसेज देना चाहेंगे चीन को? चाइना को ये बोलना चाहता हूँ कि टिबेटन लोगों को ह्यूमन राइट्स देना चाहिए और अपना कंट्री भी वापस देने चाहिए।